अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अनिल के पांडे साहब, और ये हमें मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं। पहले से बॉम्बे होता था, मुंबई हो गया, तो वहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिजनेसमैन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू मैम, आपके शो के सभी दर्शकों को मेरा आदाब और नमस्कार। सर, हम बात करेंगे सबसे पहले तो इकोनॉमी की। भारत की इकोनॉमी काफी स्ट्रांग चल रही है, और आज मैं देख रही थी कि कोई रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है 2027 तक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने? जाहिर है इस वक्त काफी टाइम से तो मोदी जी की ही गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन कौन से ऐसे आपकी जो गवर्नमेंट है उसने कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से सक्सेसफुल हो पाए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में? जी मैडम, जो आपने जैसा बताया कि जो मोदी जी की क्लेम है या इंडियन गवर्नमेंट की क्लेम है कि बाय 2027 इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी इन द वर्ल्ड, तो उसके पीछे मैं बताऊं कि अभी अगर आप देखें इकोनॉमी वाइज तो यूएसए जो है वो लगभग 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देन आप डाउन आए, चाइना जो है लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देन जापान जो है वो 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। देन जर्मनी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है एंड इंडिया स्टैंड 3.75 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो जो मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी लेके जाएंगे 2027 तक, तो जैसे ही ये 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेंगे, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ पे ऑलरेडी 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और इंडिया का जो जीडीपी है इसके लोग लगभग 7.2% की ग्रोथ रेट चल रही है। 7.2 एंड 7.3% का प्रोजेक्टेड जीडीपी है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 23-24। कंपेयर टू द चाइना, जिसकी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ग्रोइंग इकोनॉमी मानी जाती है काफी सालों से, उसका 5.4% जो है एक्सपेक्टेड जीडीपी है। तो क्योंकि और सबकी जीडीपी डाउन जा रही है और ऑलरेडी वो 4 ट्रिलियन डॉलर पे है, तो अगर मोदी जी क्लेम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमारा जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा 2027 तक, तो जैसे ही 5 ट्रिलियन डॉलर होगा बाय डिफॉल्ट हम जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि 25 ट्रिलियन डॉलर पे यूएस एंड 18 ट्रिलियन डॉलर पे जो है वो चाइना स्टैंड कर रहा है। जो आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैम कि इंडिया में किसी भी कंट्री की अगर आप ग्रोथ रेट कंपेयर करना चाहें या ग्रोथ बिजनेस या इकोनॉमी अगर वहां पे बूम अराउंड करनी है, तो सबसे पहले है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर दोनों जो है एक सब्जेक्टिव टर्म्स है, कोरिलेटेड टर्म्स है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं कुछ फिगर्स आपको देना चाहूंगा मैडम, आपके दर्शकों के लिए, मेरे जो पाकिस्तान के प्यारे दोस्त हैं उनके लिए भी, हमारे भारतीय दोस्तों के लिए भी, कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना जबरदस्त काम हो रहा है। आप समझें कि इंडिया में इस समय इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 इन द वर्ल्ड हु इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ, लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड रोड नेटवर्क्स। नंबर 1 पे यूएस है, नंबर 2 पे इंडिया है, उसके बाद चाइना आ गया है नंबर 3 पे। अगर आप रेल नेटवर्क पे भी देखें तो भी इंडिया के काफी जंप लगी है, आज के 92,000 किलोमीटर पे आ गए हैं कंपेयर टू यूएस। अभी भी बहुत पीछे है, लगभग 2,20,000 किलोमीटर का उनका रोड नेटवर्क है। बट आप स्पीडअप देखें कि यूएस का 2,20,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क होने के बावजूद वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन लगभग बहुत कम है कंपेयर टू इंडिया में। जब से मोदी जी आए हैं लगभग 93% 92,000 किलोमीटर का हमारा रोल नेटवर्क है, क्योंकि रोल नेटवर्क, रेल नेटवर्क जो होता है वो बहुत सारा रोल प्ले करता है फॉर मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मैक्सिमम लेंथ जो कवरेज है वो रेल नेटवर्क होता है, तो रेल नेटवर्क में लगभग 92,000 किलोमीटर का रोल नेटवर्क है इंडिया में, और उस रेल नेटवर्क का 93.3% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है इंडिया में। तो लगभग जो कोल था वो, जो हमने अपने जमाने में जब देखा था बचपन में कोल का इंजन आता था और जो इंजन के पास खड़ा रहता था वो कितना भी गोरा हो काला दिखने लगता था, तो कोल का इंजन गया, फिर डीजल इंजन आए। अभी इंडिया में डीजल इंजन लगभग ना के बराबर, कुछ रूट लगभग 1,000 किलोमीटर के रह गए हैं लगभग पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर डीजल है। तो धीरे धीरे मोदी जी का जो लक्ष्य है, अभी तो 93% हुआ है, लगभग लगभग 2-3 सालों के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे नेटवर्क हो जाएगा। जैसा मैंने बताया कि एक तो रोड नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है, नंबर 2 इन द वर्ल्ड आ गए हैं, देन रेल नेटवर्क बढ़ रहा है उसमें 93% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, 5वें नंबर की, 4th नंबर की हमारे रेल नेटवर्क है इन द वर्ल्ड।
देन अगर आप आए तो इंडियन नेवी जो है लगभग 6 स्टैंड करती है, लार्जेस्ट नेवी एंड स्ट्रेंथ वाइज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. तो आप रोड देखें, रेल देखें, प्लस पानी में देखें, और उसके साथ साथ अगर आप जहाजों की बात करें जो एयरपोर्ट्स है, तो मोदी जी लगभग 2014 में आए सरकार में, भारत में प्रधानमंत्री बने. 2014 के पहले, हाजी मैडम आपको जान के आश्चर्य होगा कि 60 सालों में भारत में केवल 70 एयरपोर्ट थे. 60 सालों में केवल 70 एयरपोर्ट थे, और पिछले 10 सालों में ये एयरपोर्ट की संख्या लगभग लगभग 140 हो गई. तो 10 सालों के अंदर उतने एयरपोर्ट बने जितने पिछले 60 सालों के अंदर बने हुए थे. तो ये कमाल है इस गवर्नमेंट का, क्योंकि लोगों को जब बिजनेसमैन को सुविधाएं मिलेंगी हर एक डी ग्रेड सिटी, सी ग्रेड सिटीज में जब एयरपोर्ट्स का एक्सेस होगा, तो बिजनेसमैन की रीच बढ़ेगी, इन्वेस्टर्स आएंगे. उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप रेल नेटवर्क एंड रोड नेटवर्क आप बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप देखिए 5G लॉन्च हो गया, तो तकनीक हो, संचार हो, रोड की सुविधा हो, रेल की सुविधा हो, एयरपोर्ट्स हो, सारे एयरपोर्ट्स भी अभी लगभग लगभग 24 तो हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए. अगर आप अलाउ करें मैडम, मैं आपको एक फिगर देना चाहूंगा कि मैं एक फिगर के थ्रू जा रहा था जस्ट आपका शो स्टार्ट होने से पहले, तो मैंने देखा कि यूएस में लगभग 13,513 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि उनके टोटल पॉपुलेशन है 33.19 करोड़. दूसरे नंबर पे ब्राजील, 4,000 उनके एयरपोर्ट्स हैं और टोटल पॉपुलेशन है 21.43 करोड़. मैक्सिको छोटा सा देश है, 4,714 एयरपोर्ट्स हैं, 3.82 करोड़ जनसंख्या है, 12.67 करोड़. और इंडिया में केवल 140 एयरपोर्ट है, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 140 करोड़. पूरा यूरोप, यूएस, रशिया सब मिला दे तब हम अभी भी 137 पे पहुंचे. तो मेरा मानना है कि देश बहुत तेजी से सरकार काम कर रही है. जैसे अभी बहुत सारा इंसेंटिवाइज किया है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स गवर्नमेंट ने दिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए 10,000 करोड़. इस समय इंडिया पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंस के समय टेक्सटाइल और रेलवे दो ही जॉब के सबसे बड़े माध्यम थे भारत और पाकिस्तान. अब वहां के तो मुझे हालत पता नहीं है, शायद मैंने सुना है बांग्लादेश काफी आगे निकल. एक चीज बिल्कुल, बांग्लादेश भी हमसे आगे, अब तो अफगानिस्तान भी जाने वाले. लेकिन एक चीज अनिल सर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान में लोग ये बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट बड़ी गरीब है, लेकिन पब्लिक के पास कहते हैं कि पैसा है, जो आम पब्लिक है ना उसके पास, खैर वो भी कुछ परसेंट ही है. लेकिन भारत के लिए कहते हैं कि भारत की गवर्नमेंट के पास पैसा है, लेकिन जो पब्लिक है, जो आम लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं है इतना. वो अभी भी फुटपाथ पे हमें दिखाई देते हैं लोग, मुंबई में जहाँ पर आप हैं, तो इस तरह की जगहों पर वाकई में ऐसा है. मैम देखिए, सच्चाई मैं आपको बताऊं कि मैं जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे, जब MBA कर रहा था मैं, तो हम लोग को एक सब्जेक्ट दिया गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था. दो सब्जेक्ट थे बेसिकली. पहला तो ये था कि इंडिया में मॉल सिस्टम, बड़े कॉर्पोरेट सिस्टम क्यों फेल हो, ये हमें पढ़ाया जाता था. देन सेकेंडली ये पढ़ाया जाता था कि इंडिया इज रिच, इंडियंस आर पुअर, जो आपने अभी वाक्य में बताया कि इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर. सच्चाई अगर आप देखें मैडम, तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है हमारी 140 करोड़ में, और इतने सारे खड्डे खोद के गई है पुरानी गवर्नमेंट, तो उसको भरने में काफी समय लगेगा. और मैं ये मानता हूं अगर आप GDP वाइज कंपेयर करें, मैं आपको एक फिगर दूं मैम, मेरे पास एक फिगर मौजूद है, आपको आश्चर्य होगा कि इन पूरी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्री कौन सी. लोगों को लगेगा US होगा, चाइना होगा, जर्मनी होगा. सबसे रिचेस्ट कंट्री है आयरलैंड पर कैपिटल इनकम वाइज, उसकी टोटल पॉपुलेशन 50 लाख. सेकेंड नंबर पे लक्जमबर्ग, बहुत छोटा सा, हमारे प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा होगा, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 6.4 लाख. एक्चुअली GDP का जो पर कैपिटल इनकम, मैंने कई पाकिस्तानी शो आपके यहाँ शो में देखा है, कई लोग बोलते हैं, कमर जीवा साहब भी आते हैं कभी कभी, तो जो ये लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में बहुत सारी गरीबी है, बहुत सारे फुटपाथ, पर कैपिटल इनकम आपकी डाउन है. होता क्या है मैडम, आप जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उतनी हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है. तो अगर आप टोटल GDP का, पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला देखेंगे, तो वो ये है कि टोटल कैपिटल, टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द पीपल मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज द फॉर्मूला. तो अगर मैंने 2 रुपए कमाया और 4 बच्चे हो गए 2 की जगह, तो पर कैपिटल इनकम डाउन ही जाएगी.
तो अभी जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए मुझे लगता है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन पे जिस दिन हम कंट्रोल कर पाएंगे, इसीलिए मोदी को इतना सारा इकोनॉमी बूम होने के बावजूद अभी भी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन फ्री फूड दिया जा रहा है इंडिया में लास्ट 5 ईयर्स। जो मोदी जी ने अभी बोला है उसको हम आगे 5 सालों तक और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर एक इतनी बड़ी इकोनॉमी जो दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है, जहां पे जिस देश में 4थे नंबर के सबसे ज्यादा मोटर बन रहे हो, गाड़ियां बन रही हो, लगभग 38 लाख गाड़ियां 39 लाख गाड़ियां इंडिया में बनती हैं जापान के बाद 4थे नंबर पे, जो सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो मोबाइल का आफ्टर चाइना, जो हाईएस्ट आईटी एक्सपोर्टर हो टू द वर्ल्ड, और हमारे एक्सपोर्ट का लगभग 76% जो है आईटी एक्सपोर्ट का, जो आईटी से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सामान है वो टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट का 76% है। जिस देश में 13वें नंबर की सबसे हाईएस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खड़ी हो, उस देश में भी ये मजबूरी है कि आज भी 80 करोड़ लोगों को, क्योंकि मैडम क्या है इंडिया पाकिस्तान का, जहां तक मैंने पाकिस्तान की ज्योग्राफी पढ़ी है, तो हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी विलेजेस में रहती है। पहले तो हम लोग जब छोटे थे, मुझे याद है कि एक परिवार में एक आदमी कमाता था, 10 लोग खाते थे, छोटी खेती करते थे, खेती का जो अनाज होता था उसी से परिवार चलता था। तो वो कल्चर धीरे धीरे अभी कृषि में भी एक औद्योगिकरण लेके आया जा रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, तो वहां पे भी इंडस्ट्रीज जाए ज्यादा। अभी रीजन है मैम, अगर आप देखें इसराइल ले लें, अगर इस समय इसराइल का नाम लेने से कई लोग चिढ़ जाते हैं, तो अगर आप इसराइल का ले लें, कृषि में सबसे हाईएस्ट जो टेक्नोलॉजी, जो फाइन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो इसराइल, पर हेक्टेयर पर एकड़ जो उनकी उपज है हमसे 20 गुना 25 गुना ज्यादा है। हमारे पास लैंड उनसे 100 गुना ज्यादा है, बट हमारा उत्पादन कम रहता है क्योंकि हमारे वैज्ञानिक खेती नहीं होती। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की दुर्भाग्य है कि अभी भी किसान, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको या तो भड़काया जाता है, वो अपने पास वो खेती रखते हैं तो क्या है वो साइंटिफिक चीजें यूज नहीं करते। जैसे सीड है, सीड्स के तरीके होते हैं, किस तरीके से सीड लगाया जाए, पानी कितना मात्रा में जाया जाए, गैप कितना हो, तो उससे जो उत्पादन है हमारा पर हेक्टेयर जो उत्पादन है वो दुनिया में बहुत कम है अभी, जबकि इंडिया पाकिस्तान का लैंड फर्टाइल लैंड बहुत ज्यादा। तो ये भी एक रीजन है। तो जो आपने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, मैं मानता हूं मैडम कि गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा होने के बावजूद गवर्नमेंट कितनी भी सोशल स्कीम्स ला ले, बट जब तक लोग, एक तो जनसंख्या कंट्रोल करनी पड़ेगी, दूसरा है जब हर आदमी परिवार का हर सदस्य को जॉब मिलेगी, हर सदस्य कोई ना कोई छोटा छोटा उद्योग खोलेगा, तब जाके धीरे धीरे जो नीचे के तबका है वो गरीबी रेखा से नीचे उठेगा। लगभग अभी भी वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे यहाँ है, आपकी सच्चाई आपने सही बताया, बट लास्ट 5 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स में मोदी गवर्नमेंट लगभग 23 करोड़ लोगों को लो है अपलिफ्ट किया है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये धीरे धीरे काफी बड़ा गैप है, बिल्कुल मुझे लगता है गवर्नमेंट भरेगी, भरना भी चाहिए, गवर्नमेंट तो बिल्कुल रिच है और धीरे धीरे इंडियंस भी रिच होंगे। जी एग्जैक्टली, वो चेंज तो आ रहा है और चेंज दिखाई भी दे रहा है, लेकिन एक चेंज और दिखाई दे रहा है, वो ये कि फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है भारत की, मतलब आप अमेरिका से भी बात कर रहे हैं, आप रशिया से ऑयल भी ले रहे हैं, आप सऊदी अरब से भी बात कर रहे हैं, आपका ईरान ने भी आपका जो है वो वीजा फ्री एंट्री कर दी है। तो सर ये जो फॉरेन पॉलिसी, मैं बहुत बड़ी डॉक्टर जयशंकर की फैन हूँ, मैंने बल्कि उनकी बुक भी मंगवाई, अभी एक दोस्त पाकिस्तान आए थे भारत से तो मुझे कहते क्या लाऊं, तो मैंने कहा मेरे लिए डॉक्टर जयशंकर की बुक ले आए, तो मैं यही बता रही हूँ, बल्कि रखी है मेरे पीछे ये देखिए तो, मगर ये है कि यकीनन डॉक्टर जयशंकर का बहुत बड़ा रोल है आपकी फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले की गवर्नमेंट्स इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं रही? जी जी मैडम, देखिए हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं, मैं बेसिकली ओरिजिनेटेड हूँ उत्तर प्रदेश से, बाद में मैं व्यवसायिक कार्यों की वजह से जो है मुंबई में हो गया, क्योंकि हम 32 किलोमीटर की दूरी पे रहते थे 32 किलोमीटर की दूरी पे। तो जैसा आपने मैडम सही बताया कि जो गवर्नमेंट का जो इकबाल होता है, उसका उसका जो काम करने का तरीका होता है, अगर आप देखें रिसेंटली मोदी जी जो है वो यूएई गए थे, अबू धाबी गए थे, वहां पर एक स्वामीनारायण टेम्पल का उद्घाटन किया उन्होंने, उसका लोकार्पण किया, तो मैं देख रहा था कि लगभग 7वीं विजिट है उनकी लास्ट 10 ईयर्स में यूएई में, और उसके पहले लगभग 33 से 35 सालों तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर गल्फ कंट्रीज में गया ही नहीं गया, जो कि हमारे नेबरिंग बॉर्डर है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को थोड़ा सा बीच में रखें तो दुबई यूएई हमारा बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि
जितने भी ईरानी आए हों या अब्दाली आए हो, इराकी आए हो, सब लोग आए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान एक था, अविभाजित भारत, तो वही इंट्री का द्वार था। आप देखें हमारे अभी भी ईरानी चाय मिलती है ना, अभी आप देखें तो मैं देखता हूँ अभी कराची बिस्किट भी मिलते हैं हमारे हैदराबाद में, बहुत सारे फेमस बिस्किट। तो कल्चर सेम है, लोगों को सोचने का तरीका लगभग लगभग सेम है, लेकिन रीजन था क्योंकि वो रीच आउटरीच नहीं करना चाहते। हमने मान लिया था कि जो यूएई है या जो अरेबियन कंट्रीज है वो पाकिस्तान के पाले में जाके बैठ गई है मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, तो एक अप्रोच रॉन्ग था। दूसरा था जो एक जुझारूपन होता है, मोदी जी बोलते हैं भाई मैं 24/7 चार घंटे सोता हूँ, इंदिरा गांधी के माध्यम माना जाता है 3.5 घंटे सोती, तो 24/7 काम करने का जो तरीका है। दूसरा डॉक्टर जयशंकर अगर आप देखें तो वो एक नौकरशाह रहे हैं, एक जो है प्रोफेशनल रहे हैं, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी रहे हैं, तो फॉरेन सेक्रेटरी होने की वजह से उनको बहुत लगभग 40 साल का अनुभव है उनका डिप्लोमेसी, तो वो जो अनुभव है खास करके अगर आप देखें फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि जो नेता होता है उसको अपनी कंस्टिट्यूंसी भी देखनी होती है, उसको अपनी पार्टी भी देखनी होती है, और जो फॉरेन पॉलिसी है 24/7 का काम है, और बहुत डिप्लोमेटिक जो लैंग्वेज होती है, डिप्लोमेटिक जो बात करने का तरीका होता है, चैनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये डॉक्टर जयशंकर की कमाल की बात है कि वो सबको एकजुट करके रखे हुए, और जो एक है ना कि हम मोदी जी बोलते हैं, हम दो वर्ड है उनका फेमस कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे इन टर्म्स ऑफ द करप्शन, और सेकेंड वो बोलते हैं कि ना हम आंख दिखाएंगे ना किसी को दिखाने देंगे। तो हमको झुकना भी नहीं है, एक सॉवरिंग नेशन बनना है, एक खुद मुख्तार मुल्क की है गवर्नमेंट की, वही जो लीड कर रही है कि हमको अपने टर्म्स पे बात करनी है, हमें मजबूती से अपना पक्ष रखना है और इंडिया फर्स्ट को देखना है। तो वहां अगर हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है तो हम यूएस की भी नहीं सुनते, हम ईरान से भी ऑयल लेते हैं, हमें ऑयल की जरूरत पड़ती है रशिया पे बैन है फिर भी हम रशिया से ऑयल लेते हैं। जो भारत के भारतवासियों, भारत देश की जनता, हमारे देश की भलाई में होगा वो काम ये देश कर रहा है। क्योंकि मोदी जी बोलते भाई हम किसी से डरते नहीं है, वो तो खैर इंटरनल बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि देश की प्राथमिकता, जब आप देश को प्राथमिकता देते हैं तो ये सब फॉरेन पॉलिसी में भी उसका प्रतिलक्षण हो जाता है, उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। यही रीजन है कि जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, अपने देश को प्राथमिकता देंगे, अपने व्यक्तिगत व्यवहारों को प्राथमिकता देने की जगह देश की जरूरतों को प्राथमिकता देंगे, तो ये बहुत आराम से ये काम हो जाएगा। ये पाकिस्तान भी कर सकता है, जर्मनी भी कर सकता है, टर्की भी कर सकता है, ये सारे देश कर सकते हैं, तो यही एक रीजन है। बिल्कुल, लेकिन नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सॉरी, मगर मैं ये जरूर लास्ट में पूछना चाहूंगी आपसे कि आपके पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो मोदी जी हों या दूसरे लोगों, काफी सादे ही रहते हैं, गाड़ियां भी उनकी जो है वो हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स होते हैं जो लोन मांग मांग के लाते हैं उनकी तरह वो बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती, कोई ऐसा कोई पाबंदी है या खुद देश का ख्याल करके लोग ये करते हैं? नहीं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है मैडम। मैं आपको बताऊं जी मैम कि मोदी जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि रेड लाइट्स जो होती हैं, जो रेड, जैसे आपने देखा पता नहीं पाकिस्तान में चलती है नहीं, जो लाल बत्ती गाड़ी होती है, लाल बत्ती लगी रहती है, तो लाल बत्ती सिस्टम को उन्होंने पहले दिन ही खत्म कर दिया। वो मूवीज में इंडिया में एम्बुलेंस, जी घूमती हुई अमिताभ बच्चन की मूवी, तो वो लाल बत्ती सिस्टम को उन्होंने खत्म कर दिया, और अभी कुछ इंस्टीट्यूशन छोड़ के, कुछ डेजिग्नेशन छोड़ के लाल बत्ती डिस्ट्रिक्ट में किसी को नहीं, कोई सांसद विधायक किसी को लाल बत्ती नहीं, तो लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया। दूसरा हमारे योगी जी हैं मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, वो तो जिस दिन चीफ मिनिस्टर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर ज्वाइन किया सारी एसी निकलवा के उन्होंने बाहर ट्रक में लगवा दी, भाई हमें एसी की जरूरत नहीं, सकत पे सोएंगे। तो जो आपने बोला कि ये रीजन है कि यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, बट स्वतः लोग ये सोचते हैं भाई हमको जरूरत नहीं, हम कम से कम एक्सपेंडिचर करें, देश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्चा हो। और जो मोदी जी अभी क्लेम भी कर रहे हैं कि थर्ड टर्म उनको मिलने वाला है, वो प्रचार भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में लगभग 28 स्टेट्स हैं मैडम और 8 यूनियन टेरेटरी, यूनियन टेरेटरी मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है, लॉ एंड ऑर्डर ये सारे सब्जेक्ट जो है पुलिस, वो सब यूनियन टेरेटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उनमें से लगभग 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से लगभग 17 राज्यों में बीजेपी या उसके कोलिशन पार्टनर की गवर्नमेंट। हमारे यहाँ 543 सीट्स है लोकसभा की, जिसमें से 272 जिस पार्टी की आ जाती है उसकी मेजोरिटी होती है। अब बीजेपी का क्या है कि यूपी जो 80 सीट्स देता है
या महाराष्ट्र जो 48 सीट्स है, या वेस्ट बंगाल जो 42 सीट्स है, या बिहार जहाँ पे 40 सीट्स है, इन सब पे मेजोरिटी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को वो कंट्रोल करती है और इनकी लगभग 90% सीट या कहें कि 80-85% सीट्स जो है वो नॉर्थ इंडिया से आती है। तो मोदी जब ट्राई कर रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं थोड़ा साउथ में भी जाने का, तो जैसा आपने बताया कि उनके ऑरा जो उनकी एक्सेप्टेंस है इन इंडियन पॉप आप बोलेंगे भारत में, वो बहुत ज्यादा है। रीजन है कि एक साधारण परिवार से आए हैं, साधारण तरीके से रहते हैं, और जैसा आपने बताया कि नीयत ऐसी है कि देश प्रथम हो, देश का विकास प्रथम हो, देश को प्राथमिकता नंबर वन हो, तो ही ये हो पाता है। और मुझे लगता है अगर पाकिस्तान के लोग भी इस चीज को फॉलो करेंगे, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, फर्टाइल लैंड बहुत है अच्छी आपके पास, आपके पास मैंने देखा मैडम कि आपके पास जो है पर्यटन का भी बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, इतने सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, बस उनको डेवलप करें, देश को प्राथमिकता दे, तो अपने आप भी जो है पाकिस्तान में किसी से पीछे। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी थोड़ी बेहतर करनी पड़ेगी तभी ये टूरिज्म को आगे ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी जी, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा फैक्टर है, सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा फैक्टर है। थैंक यू सो मच कि आज आपने ज्वाइन किया एंड आई होप कि आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी, हम इस तरह के टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।